ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक्स के फोर्थ चैप्टर डेट इज यूनिट ऑपरेशन के फर्स्ट पार्ट जो कि साइज रिडक्शन उसको देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन एंड डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन को डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पहले वाला वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैकेनिज्म क्या होता है साइज रिडक्शन का, और ये मैकेनिज्म का आना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें आज जो हैमर मिल हम देखने वाले हैं, आज जो हम बॉल मिल देखने वाले हैं, उसके अंदर मैकेनिज्म का यूज़ होता है। तो इसीलिए अगर आपको मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो आपको ये लेक्चर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले के जो वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर के वो देख लीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल एंड हैमर मिल को डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी हम किसी भी मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादातर उसके चार पार्ट पढ़ते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल, देन होता है कंस्ट्रक्शन, देन होता है वर्किंग एंड इसके बाद होता है एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो लेक्चर में भी हम बॉल मिल के ये सबको देखने वाले हैं एंड हैमर मिल के इन चारों पार्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हैमर मिल को देख लेते हैं। हैमर मिल इज़ वेरी एसेंशियल फार्मास्यूटिकल मशीन्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ मटेरियल। हैमर मिल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका यूज़ ज़्यादातर मटेरियल के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल को देख लेते हैं। हैमर मिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज द साइज ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस व्हेन द मटेरियल इज हीटेड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एट वेरी हाई स्पीड। सो हैमर मिल इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि इम्पैक्ट का मैकेनिज्म कैसा होता है, यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कोई भी कंटिन्यूस मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे घूम रहा हो और अगर इसी के बीच में हम किसी मटेरियल को डाल देते हैं तो ये मटेरियल मूविंग ऑब्जेक्ट से हीट होने के कारण, इस मूविंग ऑब्जेक्ट से टकराने की वजह से इस मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप ये एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि कैसे एक कंटिन्यूसली मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड पे घूम रहा है और ऊपर से जो भी मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल इस मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, उससे हीट हो रहा है और जो मटेरियल है उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जा रहा है। सो इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं इम्पैक्ट, और हमारा जो हैमर मिल है वो इसी वाले प्रिंसिपल पर काम करता है। सो नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर मिल को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग एनक्लोजिंग अ सेंट्रल शाफ्ट टू विच फोर और मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड। द हैमर आर वेरी शार्प एंड वेरी हार्ड इन नेचर। द लोअर पार्ट ऑफ हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल इज पास्ड एंड कलेक्टेड आउट व्हेन अ डिजायरेबल डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज अचीव्ड। The shaft is rotated with electric motor. In a hammer mill, one opening is also present which is called as feed through which the material is added for size reduction. The speed of motor is about 1000 to 5000 rotation per minute. So hammer mill का जो बाहर वाला part होता है, यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं casing, metal casing इसे हम बोलते हैं। Casing का मतलब होता है outer covering। और ये जो हैमर मिल का जो आउटर कवरिंग होता है ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बना हुआ होता है, जैसे कि स्टील से बना हुआ हो सकता है, आयरन से बना हुआ हो सकता है, अलग अलग कॉपर के मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। सो इसीलिए हम आउटर कवरिंग ऑफ हैमर मिल को बोलते हैं मेटल केसिंग। क्यों? क्योंकि ये जो केसिंग है ये मेटल से बना हुआ है और इसी मेटल केसिंग के इंटरनली सेंट्रल रीजन में सेंट्रल शाफ्ट प्रेजेंट होता है और इसी सेंट्रल शाफ्ट से चार या तो चार से ज़्यादा हैमर अटैच होते हैं। और ये जो हैमर है, हम इन हैमर को स्विंगिंग हैमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैमर है ये स्विंग होते रहते हैं, हर एक डायरेक्शन में रोटेट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसीलिए हम इसको स्विंगिंग हैमर बोलते हैं। और ये जो हैमर होता है, ये जो स्विंगिंग हैमर है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है इन नेचर।
और ये जो सेंट्रल शाफ्ट है ये इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से रोटेट होता है और इसकी जो स्पीड है वो लगभग 1000 से 5000 रोटेशन पर मिनट होती है। और हैमर मिल के एकदम नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रीन। यहाँ आप डायग्राम में इस स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। जब मटेरियल का साइज़ अच्छे तरीके से रिड्यूस हो जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, वो मटेरियल को स्क्रीन के ही थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। हैमर मिल में एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फीड। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि फीड कैसा दिखता है। ये फीड का बस एक ही काम होता है कि जो भी हमें मटेरियल का साइज़ को रिड्यूस करना होता है, हम उस मटेरियल को इस फीड के ज़रिए हैमर मिल के अंदर डालते हैं। सो नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ हैमर मिल को देख लेते हैं। होल हैमर मिल इज स्टार्टेड बाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल इज पुट इन टू हैमर मिल थ्रू फीड। द मटेरियल इज रिड्यूस टू स्मॉल साइज ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर्स प्रेजेंट इन द हैमर मिल। वेन मटेरियल अचीव द डिजायर्ड साइज द मटेरियल इज पासेस थ्रू स्क्रीन एंड कलेक्टेड आउट फ्रॉम द हैमर मिल। सो पूरा का पूरा जो हैमर मिल है वो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है। जो भी मटेरियल का हमें साइज़ के रिड्यूस करना होता है उस मटेरियल को हम फीड के ज़रिए हैमर मिल के अंदर डाल देते हैं और ये मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस होना चालू हो जाता है, क्योंकि हैमर मिल के अंदर जो हैमर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रोटेट होने लगते हैं। जब हमें मटेरियल का साइज़ जो है अच्छे तरीके से रिड्यूस होके मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसी मटेरियल को स्क्रीन के थ्रू हैमर मिल से बाहर निकाल लेते हैं। आप यहाँ एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे हैमर मिल काम करता है। हैमर मिल का जो ऊपर वाला हिस्सा है फीड, यहाँ से हम मटेरियल को डाल रहे हैं और ये मटेरियल क्या हो रहा है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से हीट हो रहा है। हीट होने के बाद, टकरा जाने के बाद ये मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे ही साइज़ रिड्यूस हो रहा है वैसे ही वो मटेरियल साइज़ रिड्यूस होने के बाद स्क्रीन के ज़रिए बाहर निकल जा रहा है हैमर मिल से। सो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल को देख लेते हैं। हैमर मिल कैन बी यूज टू क्रश लार्ज फाइबरस मटेरियल इंटू स्मॉल फाइबरस मटेरियल। हैमर मिल का यूज़ हम किसी भी लार्ज फाइबरस मटेरियल को स्मॉल फाइबरस मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हैमर मिल इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ लार्ज ब्रिटल मटेरियल। सो हैमर मिल का यूज़ हम किसी भी लार्ज ब्रिटल मटेरियल का साइज़ को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये जो ब्रिटल वर्ड होता है, ब्रिटल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने बिस्किट देखा होगा, पार्ले जी बिस्किट, मारीगोल्ड बिस्किट, ये जो बिस्किट होते हैं ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। इसे हम, ये स्ट्रांग तो होते हैं, बहुत अच्छे खासे सॉलिड के बड़े टुकड़े तो होते हैं, लेकिन हम इसे तोड़ना चाहें तो फटाक से टूट भी जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रिटल सॉलिड मटेरियल। हैमर मिल इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर। हैमर मिल का यूज़ हम पाउडर के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर के साइजेस। हैमर मिल इज ऑल्सो यूज फॉर पाउडरिंग ऑफ लीव्स, बार्क्स एंड रूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। हैमर मिल का यूज़ हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट के लीव को, बार्क को एंड रूट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बॉल मिल को देख लेते हैं। बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। सो बॉल मिल कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन वाले प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि बॉल मिल के अंदर इम्पैक्ट वाला मैकेनिज्म भी लगता है एंड एट्रिशन वाला मैकेनिज्म भी लगता है। इम्पैक्ट मैकेनिज्म तो हमने अब भी हैमर मिल में देखा कि अगर कोई भी मटेरियल एक मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो उस मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। और जो एट्रिशन मैकेनिज्म, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि कैसे दो सॉलिड सरफेस के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जब उन सॉलिड सरफेस के बीच में रबिंग होता है, यानी कि जब दो सॉलिड सरफेस के बीच में घर्षण यानी कि जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के वजह से जो मटेरियल बीच में प्रेजेंट होता है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े होने चालू हो जाते हैं, यानी कि उस मटेरियल का भी जो साइज़ है वो रिड्यूस होना चालू हो जाता है। सो बॉल मिल में हमें कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होते हुए दिखता है। जैसे कि जो बॉल मिल के अंदर जो बॉल होते हैं
वो कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। तो जब ये मूव होने वाले बॉल के कांटेक्ट में कोई भी फार्मास्यूटिकल मटेरियल आ जाता है मशीन के अंदर, तो वो क्या होता है, उस मटेरियल का साइज रिडक्शन हो जाता है इम्पैक्ट वाले मैकेनिज्म के ज़रिए। और जब दो बॉल के बीच में कोई भी मटेरियल आ जाता है तो एट्रेशन मैकेनिज्म की वजह से जो साइज़ है मटेरियल का वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि हमें कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रेशन वाला मैकेनिज्म यहाँ पर मटेरियल के साइज़ रिडक्शन को देखने के लिए मिलता है। सो नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो मेटेलिक सिलेंडर माउंटेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम रोटेट ऑन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। द सिलेंडर कंटेन बॉल मेड अप ऑफ मेटल और रबर विच ऑक्यूपाइड 30-50% वॉल्यूम ऑफ द मिल। द साइज ऑफ द बॉल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ फीड एंड डायमीटर ऑफ द मिल। द सिलेंडर हैज डायमीटर ऑफ अबाउट 1-3 meters। सो बॉल मिल हॉलो मेटेलिक सिलेंडर से बना हुआ होता है, यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं हॉलो मेटेलिक सिलेंडर। ये सिलेंडर अंदर से पूरी तरह खाली होता है, यहाँ पे बहुत सारा अंदर से स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये जो सिलेंडर है मेटल से बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हॉलो मेटेलिक सिलेंडर। डिफरेंट डिफरेंट मेटल जैसे कि स्टील, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, डिफरेंट डिफरेंट मेटल से ये सिलेंडर बना हुआ होता है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर एक मेटेलिक फ्रेम यानी कि एक मेटेलिक स्टैंड पर खड़ा रहता है, स्टैंड पर एक प्रेजेंट होता है और अपने ही लॉन्जिट्यूडल एक्सिस पर रोटेट होने लगता है। इस मेटेलिक सिलेंडर के अंदर बहुत सारे बॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खुद भी मेटल से बने हुए होते हैं या फिर बहुत सारे कंडीशन में रबर से भी बने हुए हो सकते हैं। ये मेटेलिक बॉल्स 30-50% कैपेसिटी में सिलेंडर के अंडर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर सिलेंडर की कैपेसिटी अगर 100 kg है तो इसमें से 30-50 kg तो बॉल्स ही प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो बॉल है इनका भी जो साइज है वो भी चेंज होते रहता है डिपेंड अपॉन कि वो सिलेंडर का साइज कैसा है। अगर सिलेंडर का साइज ज़्यादा बड़ा है, सिलेंडर का साइज बहुत ही ज़्यादा एकदम लार्ज है, तो जो अंदर मेटेलिक बॉल्स हैं उनके भी साइज बड़े होंगे। लेकिन अगर सिलेंडर का साइज छोटा है तो जो बॉल है मेटेलिक बॉल उनका भी जो साइज है वो भी छोटा होगा। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ बॉल मिल देख लेते हैं। द मटेरियल और द ड्रग्स हुज साइज टू बी रिड्यूस आर पुट इनटू सिलेंडर ऑफ बॉल मिल विद मेटेलिक बॉल्स। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बॉल मिल। आफ्टर पुटिंग ड्रग्स एंड बॉल इन द सिलेंडर वी हैव टू क्लोज द सिलेंडर वेरी टाइटली एंड सेट द स्पीड एंड टाइम ऑफ रोटेशन। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी क्रिटिकल। इफ द स्पीड इज लो देन द बॉल विल स्लाइड ओवर ईच अदर एंड इफ द स्पीड इज वेरी हाई देन द बॉल इज थ्रोन टू द वॉल ऑफ सिलेंडर एंड हेंस नो साइज रिडक्शन विल टेक प्लेस। बट एट ऑप्टिमम एंड करेक्ट स्पीड बॉल आर कैरिड टू द टॉप ऑफ सिलेंडर एंड देन फॉल ऑन द मटेरियल विच रिजल्ट इन साइज रिडक्शन। After suitable time, when the desired size reduction take place, we stop the machine and the material with ball are taken out from the cylinder and the material are separated from the balls. जो भी ड्रग्स एंड मटेरियल का हमें साइज रिडक्शन करना होता है उसे हम सिलेंडर के अंदर मेटेलिक बॉल के साथ डाल देते हैं। सब कुछ सिलेंडर में डालने के बाद हम सिलेंडर को अच्छे तरीके से क्लोज कर देते हैं और रोटेशन के स्पीड एंड टाइमिंग को भी सेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से सिलेंडर रोटेट होना चालू हो जाता है और रोटेशन के साथ ही साथ जो मटेरियल का साइज रिडक्शन है उसका प्रोसेस भी चालू हो जाता है। यहाँ जो स्पीड होता है रोटेशन का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बॉल मिल के अंदर। अगर रोटेशन का स्पीड कम हुआ तो जो बॉल है वो एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइड करने लगेंगे और मटेरियल का कोई भी साइज रिडक्शन नहीं होने वाला है। अगर रोटेशन का स्पीड हद से ज़्यादा हुआ तो उस केस में भी बॉल जो है वो इतनी ज़ोर से सिलेंडर के साइड वाले हिस्से में चला जाता है कि मटेरियल का साइज रिडक्शन कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर रोटेशन का जो स्पीड है वो मीडियम हो यानी कि एक परफेक्ट स्पीड हो तो उस केस में हमें क्या देखने मिलता है कि जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जाएगा और मटेरियल के ऊपर नीचे आके गिर जाता है जिससे जो मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जब रोटेशन का स्पीड लो है तब बॉल एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइड कर रहे हैं और कुछ भी साइज रिडक्शन नहीं होगा। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जब रोटेशन का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, जो बॉल है
वो सिलेंडर के एकदम ऊपर वाले हिस्से में चले जा रहे हैं, और उस केस में भी जो साइज रिडक्शन है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे थर्ड वाले पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ थर्ड पिक्चर में ऑप्टिमम स्पीड यानी कि परफेक्ट स्पीड है। ये परफेक्ट स्पीड में क्या होता है, जो बॉल होता है वो आराम से ऊपर जाता है सिलेंडर के अंदर और आराम से मटेरियल के ऊपर आके नीचे गिर जाता है। तो बार बार वो जब बॉल मटेरियल के ऊपर बार बार जब गिरता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है, मटेरियल का साइज रिडक्शन होना चालू हो जाता है। सो बॉल मिल के अंदर जब हमें किसी भी मटेरियल का साइज रिडक्शन करवाना होता है तो रोटेशन का जो स्पीड है, सिलेंडर के जो रोटेशन का स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर स्पीड कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम। इसीलिए स्पीड हमें मीडियम रखना है, ऑप्टिमम रखना है और एकदम परफेक्ट रखना है, जिससे हमें मनचाहा साइज रिडक्शन मटेरियल का देखने मिले। तो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल को देख लेते हैं। सो बॉल मिल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड मटेरियल। बॉल मिल का यूज़ हम किसी भी हार्ड मटेरियल के ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब होता है कोई भी मटेरियल को एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में पीस देना, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना। सो पहला एप्लीकेशन ये होता है बॉल मिल का कि वो किसी भी हार्ड मटेरियल को वो छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है। बॉल मिल आर ऑल्सो यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ वेट फार्मास्यूटिकल मटेरियल। सो बॉल मिल वेट फार्मास्यूटिकल मटेरियल के ग्राइंडिंग में भी काम आता है। वेट फार्मास्यूटिकल मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो नेचर में गिल्ले हो, जिनके अंदर पानी का जो क्वांटिटी है, वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। सो ऐसे मटेरियल के साइज रिडक्शन में भी बॉल मिल का बहुत ज़्यादा काम होता है। बॉल मिल आर ऑल्सो यूज टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग्स टू फाइन पाउडर्स। बॉल मिल का यूज़ ब्रिटल ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। बॉल मिल आर ऑल्सो यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। जो बॉल मिल्स होता है ये हमें ओर्स के ग्राइंडिंग के लिए भी यूज़ होता हुआ दिखता है। अब ये जो ओर्स होता है इसका मतलब क्या होता है, ये अब हम देख लेते हैं। जो भी फार्मास्यूटिकल मटेरियल हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं ओर्स। तो ये जो ओर्स होते हैं हार्ड होते हैं इन नेचर, सो इनके ग्राइंडिंग के लिए, इनके साइज रिडक्शन के लिए भी बॉल मिल हमें यूज़ होता हुआ दिखता है। बॉल मिल आर ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ स्टिकी फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स। सो बॉल मिल ऐसे मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो। अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा स्टिकी है और उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके साइज रिडक्शन के लिए भी बॉल मिल का यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि एक ऑप्टिमम स्पीड पे जो बॉल मिल है वो अंदर से कैसे काम करता है। यहाँ पे जो आपको ये जो बड़े वाले सर्कल दिख रहे हैं ये हैं हमारे मेटेलिक बॉल्स, और अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो हैं हमारे फार्मास्यूटिकल मटेरियल जिनका साइज रिड्यूस हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। इस वीडियो लेक्चर के PDF नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।